वो ट्रेन की बोगी जैसा था यार, क्या गया है रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल और लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो रहा है। ऐसे में कानपुर में एक स्कूल में अनोखी पहल देखने को मिली। छठी से लेकर आठवीं तक के स्कूल खुलने के बाद 11 महीनों के बाद स्कूल आए बच्चों को स्कूल में बेहतर माहौल देने की कोशिश की गई है। इसीलिए कानपुर के बेहटा गंभीरपुर गांव के परिषदीय स्कूल की दीवार में कराई गई पेंटिंग्स चर्चा का विषय है। स्कूल की दीवारों और कमरों को ट्रेन की बोगी की शक्ल में पेंट किया गया है। किचन को ट्रेन के इंजन की तरह बनाया गया है। इस स्कूल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ट्रेन बनाने का मकसद तो ये है कि सुंदर व आकर्षक लगे, और दूसरा ट्रेन क्या है, रफ्तार से भागती है, तो हम ये चाहते हैं हमारा विद्यालय भी शैक्षिक गुणवत्ता के मद्देनजर रखते हुए रफ्तार से आगे बढ़े, ये हमारा एक मकसद ये भी था। स्कूल में बच्चों को जानकारी देने के लिए पर्यावरण की भी कई तस्वीरें दीवारों पर पेंटिंग के जरिए बनाई गई है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इतने दिनों बाद स्कूल आए बच्चों को यहाँ पर अच्छा लगे। प्रवेश के लिए ये है कि हम लोगों ने ये कहा है कि आप लोग मास्क लगा कर आए पहली बात तो, और दूसरी बात थोड़ा दूर दूर बैठे, थोड़ी दूरी बनाए रखें, और साबुन से जैसे शौच के लिए जाएं या जो भी खाना बनाने के लिए तो साबुन से हाथ धोएं, और जो है ना अगर अस्वस्थ होते हैं, उन्हें लगता है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, अपने आप कुछ भी मतलब किसी भी तरीके का कोई वो न करें। बच्चों को पढ़ाने के लिए एक बेहतर माहौल देने और उन्हें पढ़ाई के साथ इंटरेस्टिंग तरीके से इंगेज रखने के लिए ये पहल की गई है, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। कानपुर से भारत समाचार के लिए दीपक की रिपोर्ट। इधर लखनऊ।